रहीम अस्सलामुअलैकुम। इस उम्मीद के साथ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। तो आज मैंने सोचा क्यों ना वीडियो जो है वो बाहर ही जाके स्टार्ट की जाए, घर के अंदर से जो है ना स्टार्ट की जाए। और ज़ुहेब साहब को जो है मैंने स्पेशल बुलाया, मैं कह यार बाहर चलते हैं, भाईजमे तो अकेले थे, तो भाईजमे के साथ जो है वो ज़ुहेब ने हेल्प की और हम लोग जो है बाहर आ चुके हैं। मौसम काफ़ी मज़े का है, धूप जो है वो बड़ी मतलब हल्की गर्म और मज़े वाली है। और ये डिवाइसेस मैंने मंगवा ली हैं, इस पर से जो है वो कमेंट पढ़ते हैं जो कल का आप लोगों ने आंसर्स दिए होंगे हमें। और साथ में हमारे पास अभी यखनी आ गई, यखनी जो है पी लेते हैं। और आज जो एक कन्फ्यूजन आ रही है मुझे काफ़ी ज़्यादा, ये यखनी है और मुझे इसमें जो है वो नमक तेज़ लग रहा है। घर वाले सारे कह रहे हैं कि नहीं नमक सही है, नमक सही है। अब पता नहीं एक्चुअल में क्या सीन है। मेरे ख्याल शायद पिछले दिनों से जो है वो काफ़ी फीका फीका खा रहा था, तो आज उन्होंने जो है वो ज़रा बकरे की टांगों की जो है वो यखनी बना के दी इनके पाँवों की, तो थोड़ा उन्होंने अपने तरफ से मज़दर सी बनाई और नमक थोड़ा बहुत डाला होगा अंदर। तो मेरा ख्याल है कि शायद यही सीन होगा, उन्होंने तो हल्का डाला हुआ, उनको हल्का ही लग रहा है। मुझे जब तेज़ लग रहा है क्योंकि इससे पहले जब मैं नमक नहीं खा पी रहा था साथ में। तो अभी मैं जी यखनी इंजॉय कर लूँ, फिर इंशाल्लाह जब कमेंट्स वाली साइड पर आते हैं। और अभी आते हैं जी कमेंट्स में। कमेंट्स के लिए आईपैड जो मैंने मंगवा लिया, इसमें से अब मुझे अपनी वीडियो जो ओपन करनी पड़ेगी। इसमें जो है वो आईपैड में जीमेल दूसरी लॉगिन। वैसे ये है कि आज जो है वो कमेंट्स काफ़ी थोड़े आए थे, मगर जितने भी आए थे अब वो आपके थे तो आपको बताने तो हैं। तो पहला कमेंट जो है वो हमारे पास किन का है जी, अमजद हुसैन भाई का। उन्होंने बोला कि जी दुआ कीजिएगा तो अल्लाह ताला जी आप सबके ऊपर जो अपनी रहमत और करम जो है वो कायम रखे। और उसके बाद कमेंट हमारे पास एक्सरसाइज के हवाले से है। बाकी कमेंट्स का जो है बहुत शुक्रिया आप लोगों का, लेकिन अभी वक्त की जो किल्लत होती है तो सभी जो पढ़ना मतलब वीडियो के अंदर पढ़ना ज़रा मुश्किल होता है। बाकी मैं पढ़ता हूँ सारे कमेंट्स। अच्छा जी वीडियो की गलत तो नहीं खुल गई, वीडियो तो सही है लेकिन कमेंट्स इतने नहीं है। अच्छा जी आपने कौन सा रिप्लाई करना है यार? रिप्लाई तो कर रहा हूँ यार, वैसे भी जो है वो रीड करता हूँ और आपके कमेंट्स के हिसाब से जो है वो वीडियो कर रहा होता हूँ मैं। अच्छा जी एक्सेस के वाले से बहुत कम लोगों ने कमेंट किए, शायद बताना नहीं चाह रहे थे। अच्छा जी फरहाद भाई ने किए हैं, तो फरहाद भी कह रहे हैं कि जी मैं जो है वो लास्ट टाइम 5-6 साल पहले क्रिकेट खेली थी, उसके बाद जो है वो नहीं वही एक्सरसाइज उसके अलावा जो है वो कभी नहीं की। 3-4 बार 2-3 दिन के लिए जिम ज्वाइन किया था लेकिन फिर उसके बाद छोड़ दिया। और उसके बाद जो हमारे पास कमेंट आया वो अजय चौधरी मुदस्सर भाई का, जिन्होंने हमारे क्वेश्चन का जो आंसर दिया, तो उन्होंने कहा जी 9 साल हो गए हैं उनको मतलब एक्सरसाइज किए हुए। उसके अलावा कौन सा कमेंट है जी, नवनीत सिख भाई हैं ये या बहन है मुझे नहीं पता। नवनीत मेल नेम है, फीमेल नेम आई डोंट नो, क्योंकि वो हमारे नेम इधर जब उतना नाम नहीं यूज़ होता इसलिए। तो इन्होंने कहा है कि जी क्या कहा है जी नवनीत ने कि आप जब वो रेगुलर डूइंग बट नॉट रेगुलर डेली आई से फ्रॉम टुमारो एंड आई विल डू रेगुलर एक्सरसाइज टुमारो इट नेवर कम्स। तो कह रहे हैं कि जी हम कोशिश करते हैं कि सुबह जो है वो एक्सरसाइज स्टार्ट की जाएगी और सुबह कभी नहीं आती है इनकी, नेक्स्ट डे टुमारो कभी नहीं आता है। तो ऐसा ही है, टुमारो कभी नहीं आता, हमें आज से जो है वो शुरू करना पड़ता है क्योंकि अगले दिन जो है वो उसका टुमारो आगे हो जाता है। तो भैया आपकी वीडियो बहुत शौक से देखती हूँ, आपका शुक्रिया आप हमारी वीडियो देखते हैं। बाकी है तो हर्टिंग इस तरह से 4 रुपये लेट हैं, लेकिन अभी हम कर क्या सकते हैं, मजबूरी है, इंतज़ार कर रहे हैं सही होने का। और आप लोगों ने जब आंसर्स नहीं दिया हमें इसलिए मतलब कम आंसर्स दिए, जिन्होंने आंसर्स दिए मेरी बात का उनका जब मैंने रिप्लाई कर दी, तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमें हमारे सवाल का या हमारी बात का जब जवाब दिया, और जिन्होंने गुडविल और इस तरह के कमेंट्स किए उनका भी बहुत शुक्रिया। फिर जो है वो खेतों के अंदर जो वो आ चुकी हैं बकरियाँ। तो रबी जब अब्दुल्ला आया हुआ चीजें चीजें खा रहा है, कह रहा हूँ मैं हाँ खाता हूँ। इधर लो, उसको तंग कर
अब दे रहे हो मामू की है दुल्हन मामू की जीज जीज मामू की आओ टूट रही रही उसकी बात ये वादे लगा रहे हैं वापिस चल दो वापिस चल दो वापिस चल दो इसको नहीं खाना इसको नहीं खाना माशाल्लाह खूबसूरत जानवर है और ये छोटे छोटे मेमने किधर है जीजी वो खाली किधर है जीजी वो खाली है को मामा होगी मामा किधर है जीजी को मामा होगी तो जी ये साइन है मामा होगी जी और ये जोड़ी जो है वो कंप्लीट हो गई सफीला और अब्दुल्ला की एक तरफ से एक तरफ मुंह भी नहीं करते साहब लगाओ इनके नीचे आ गए नीचे आ गए अरे गंदिया उधर वो बैठ गया इधर बैठ गया इधर अभी जब वो आ चुका है खाना अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक रोटी खा ली है तकरीबन ये आखिरी नवाल है एक रोटी का तो एक रोटी तकरीबन खा ली है और साथ में जो है वो रोटी के साथ हमारे पास जो है वो कीम है और मतलब ये दूसरी रोटी मैंने मंगवाई है मैं कह यार आज ज़्यादा खाना खाना है इंशाल्लाह। वैसे नमक वाली शिकायत जो है मुझे साल में भी लगी लेकिन मेरा ख्याल है कि नमक जो है वैसे मुझे तेज़ लग रहा है नमक होता नहीं एक्चुअली तेज़ क्योंकि एक चीज़ में तेज़ हो सकता है हर चीज़ में थोड़ी तेज़ हो सकता है। खैर खाना जो हमने खा लिया अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ा आया और आज से ही सैर हो के खाया मतलब कानों कान फुल हो के खाया अल्हम्दुलिल्लाह सुभानअल्लाह। तो अब इसी के साथ जो हमें दीजिए इजाज़त क्योंकि हमारे जो दिन का इख्तिताम हो चुका है वक़्त हो चुका है पूरे साथ का तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा दुआओं में याद रखिएगा। और आज का सवाल ये हम कर लेते हैं कि जी आप लोगों में से किसी ने पेट यानी कि जानवर एक होता है पेट यानी कि परिंदा वगैरह मैं दूसरे जानवर की बात करूं जैसे गाय भैंस या बकरी वगैरह कभी ज़िंदगी में रखी हो या रखी हुई है अगर रखी हुई है तो कितनी रखी हुई है और अगर रखी हुई थी तो कितना था पहले रखी हुई थी और अगर आपने मतलब आई एम नॉट आस्किंग अबाउट यू कि आपने पर्सनली इसको संभाला हो आपके मामा पापा ने या ताया अबू चाचू या इस तरह से जो फर्स्ट कज़न होते हैं इधर किसी ने रखी हो और आपने भी जब उसको सर्व किया हो तो हमें ज़रूर बताइएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा दुआ में याद रखिएगा सदा खुश रहें आप अल्लाह हाफिज़।